नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। जबलपुर में बदलते मौसम के साथ साथ डेंगू की बीमारी भी पैर पसार रही है, जिसको लेकर नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग के द्वारा इंतजाम किए गए हैं। जहां स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम के द्वारा हर वार्ड में दवाइयों का छिड़काव किया जा रहा है, वहीं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर संजय मिश्रा ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग के द्वारा डेंगू से बचाव के लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई है। जहां जबलपुर जिले में अभी तक 6 मरीज डेंगू पॉजिटिव मिले, जो कि नॉर्मल है। पिछले वर्ष जिस प्रकार से डेंगू की बीमारी जबलपुर शहर में फैली थी, जिसमें मरीज की ब्लड काउंट कम हुई थी, जिसके कारण कुछ मरीजों की मौत हुई थी, पर इस बार डेंगू ने गंभीर स्वरूप नहीं लिया है। जहां नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग की टीम के द्वारा हर वार्ड में जाकर दवाइयों का छिड़काव किया जा रहा है और आम नागरिकों से भी अपील की जा रही है कि घर के आसपास किसी भी जगह पर पानी को इकट्ठा ना होने दिया जाए, जिससे डेंगू के मच्छर और लार्वा ना पनपे। स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम पूरी तरीके से डेंगू से बचाव के लिए उपाय कर रही है। जबलपुर से न्यूज 69 के लिए वाजिद खान की रिपोर्ट। जी देखिए, अभी जो पिछले और उसके पहले वर्ष में जो डेंगू अपने यहाँ हुआ था, वो काफ़ी गंभीर प्रकार का डेंगू हुआ था। हम सभी को मालूम है कि इतनी संख्या में प्लेटलेट्स लगी थी मरीजों को, तभी उनकी जीवन रक्षा हुई थी और कुछ की मृत्यु भी हुई थी। इस बार डेंगू पॉजिटिव जो लोग आ रहे हैं, उनकी प्लेटलेट्स की संख्या ज़्यादा घट नहीं रही है, इसलिए स्थिति चिंताजनक नहीं है। लेकिन फिर भी जो विभाग है, मलेरिया विभाग ही इसको देखता है। उनके कर्मचारी वार्डों में जाकर नगर निगम की टीम के साथ मिलकर जागरूकता भी उत्पन्न कर रहे हैं, दवाओं का छिड़काव भी कर रहे हैं। इस बार हम लोग ने दवाओं के छिड़काव में ये पिछले वर्ष से और इस वर्ष हमने किया है कि घरों के भीतर भी दवा का छिड़काव करना आवश्यक है, नहीं तो बाहर दवाएं छिड़की जाती थी तो मच्छर घर के अंदर प्रविष्ट होकर बच जाते थे। पानी इकट्ठा ना करें, यदि भी किसी को बुखार आता है तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं, जिससे परिस्थिति गंभीर ना हो। तो ये सब बातें हम लोग जनता को बता रहे हैं, हमारी टीम बराबर जाके वार्डों में भ्रमण कर रही है। अभी इस जो माह समाप्त हो रहा है, इसमें 6 रिपोर्ट हुए हैं अभी हमारे यहाँ कि 6 पॉजिटिव आए हैं, लेकिन कोई भी गंभीर स्थिति में नहीं गया। इस खबर पर आपकी क्या राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।